हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद डोरिंस रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी मटन कीमा। इसके लिए मैंने पहले मटन कीमा आधा केजी से थोड़ा सा कम लिया है, और ये मशीन में हाथ का कीमा नहीं है, मशीन का कीमा है। और उसके साथ मैंने थोड़ा सा दही ली है, और मैंने पहले दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। और उसके साथ मैं लूँगी नमक स्वाद अनुसार। एक चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर और एक चम्मच मिर्ची पाउडर। और उसके साथ मैंने ली है एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने वाइल्ड कोरिएंडर यूज़ की है, और दो मैंने प्याज ली है बारीक से काट लिया है, और एक टमाटर मैंने बारीक से काट लिया है, तीन मैंने हरी मिर्च काट लिया है, और मैंने एक तेज़पत्ता, दो इलायची और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है। और अब मैं बनाऊंगी मटन कीमा। मैंने गैस ऑन करके पैन को सरा ली है, और मैंने सरसों की ऑयल 5 टेबल स्पून इस पर डाल दिया है, और तेल अब गर्म हो चुकी है। और मैं इसमें एक तेज़पत्ता, दो इलायची और एक टुकड़ा दालचीनी डालूँगी। और अब मैं डालूंगी प्याज। प्याज को मैं थोड़ा हल्का सा ब्राउन करूंगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूंगी। और अब मैं मिलाऊंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूंगी, ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। गैस की फ्लेम को आप मीडियम आंच में रखिए। प्याज के साथ अदरक लहसुन को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर घर में बनाइए, खाइए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसे रोटी, पराठा, नान, पुलाव और राइस के साथ भी खा सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर नमक डाल दूँगी। और अब मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर को भी मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। आप लोग मेरे वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा देखिए। स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बनाया और कैसे बनाया। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को पहले ही मिल जाए। ये देखिए, मैंने टमाटर को अच्छी तरह से प्याज, अदरक, लहसुन के साथ भून लिया है। ये देखिए, टमाटर पक चुका है। ये देखिए,
प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटर मैंने अच्छी तरह से थोड़ा सा नमक देकर भून लिया है। और अब मैं डालूंगी मटन कीमा। ये देखिए, अब मैं डालूंगी मटन कीमा। मैंने कीमा को अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैं डालूंगी मसाला। थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, पहले भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था इसलिए ज़्यादा मैं नहीं डालूंगी। और मैंने काली मिर्च पाउडर डालूंगी, आधा चम्मच ली है और वो मैं डाल दूंगी। गरम मसाला में वो भी आधा चम्मच लिया है और वो भी मैं डाल दूंगी। जीरा पाउडर वो भी मैं आधा चम्मच लिया है और वो भी मैं डालूंगी। और हल्दी पाउडर आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ। और चिली पाउडर वो भी मैं एक चम्मच डाल रही हूँ। और मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। गैस को मीडियम आंच में रखिए। और अच्छी तरह से इसको मिलाइए। कीमा को आप जितना भी भूनेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट होता है। इसको अच्छी तरह से भूनना पड़ता है। और अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी। और अब मैं इसको एकदम लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रख दूंगी। 10 मिनट हो चुका है और अब मैं ढक्कन खोल दूंगी। ढक्कन खोलते ही बहुत ही अच्छी खुशबू आई है। और ये देखिए, कीमा भी बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखिए, और अब मैं डालूंगी थोड़ा सा, मैंने दही अच्छी तरह से फेंट लिया है और वो अब मैं डालूंगी। गैस की फ्लेम को मैं लो ही रखूंगी। और अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर दूंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप लोग ज़रूर घर में बनाइए और खाइए। और अब मैं डालूंगी हरा मिर्च, जो मैंने तीन हरे मिर्च ली थी और वो मैं अब डाल दूंगी। और अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर लूँगी और अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। कीमा को आप जितनी भूनेंगे उतनी टेस्टी होती है। इसको बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। मैं और 5 मिनट तक ऐसे ही भूनते रहूँगी।
मटन कीमा बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग इसे रोटी, पराठा, नान, पुलाव, राइस सब के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर घर में बनाइए और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को पहले ही मिल जाए। मैंने मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो डाली है, वो भी आप लोग देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये देखिए हमारे मटन कीमा रेडी हो चुकी है, ये बहुत ही टेस्टी बनी है और अब मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाऊंगी। और अब मैं इसके ऊपर ये मैंने वाइल्ड कोरिएंडर ली थी और वो अब मैं डाल दूंगी और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। वाइल्ड कोरिएंडर बहुत ही टेस्टी है, इसका खुद का ही बहुत ही अच्छा सेंट होता है और वो डालने से ये मटन कीमा और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। और अब मैं आप लोगों को एक प्लेट में निकाल कर दिखाऊंगी। ये देखिए मटन कीमा तैयार हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर घर में बनाकर खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। हम लोग जैसे घर में खाते हैं मटन कीमा, वैसे ही मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाई है। आप लोग चाहे तो ज़्यादा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाते, इसलिए मैं हम लोग जैसे खाते हैं वैसे ही मैंने तेल यूज़ की है और ये बहुत ही टेस्टी है। आप लोग रोटी, पराठा, नान, राइस और पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को पहले ही मिल जाए। थैंक यू।